कोडरमा से तिलैया तक बनाई जा रही नई रेलवे लाइन का कितना काम पूरा हुआ है? यह लाइन कब तक बनकर तैयार होगा और इस रेल लाइन को बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है? इस रेल लाइन से जुड़ी जानकारी जानने के लिए वीडियो में बने रहें। दोस्तों, कोडरमा तिलैया नई रेल लाइन बिहार के नवादा जिले में स्थित तिलैया जंक्शन को झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित कोडरमा जंक्शन को आपस में जोड़ने वाला एक नई रेल लाइन है। इस रेल लाइन की कुल लंबाई 65 किलोमीटर है, जिसे 1626 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इस रेल लाइन का काम चार अलग अलग फेज में किया जा रहा है। पहले फेज में तिलैया जंक्शन से खरौंद स्टेशन तक, जिसकी दूरी 24 किलोमीटर है, और इस 24 किलोमीटर के सेक्शन में दो स्टेशन नरहट होल्ट और लोंद स्टेशन बनाया गया है। तिलैया जंक्शन से खरौंद स्टेशन तक इस 24 किलोमीटर का काम पूरा किया जा चुका है और 11 फरवरी 2018 को ही इस पर सीआईएस निरीक्षण भी किया जा चुका है, जिसके बाद खरौंद स्टेशन से मालगाड़ी का परिचालन भी किया जा चुका है। आपको बता दें कि खरौंद स्टेशन पर रेक पॉइंट मतलब माल गोदाम भी बनाया गया है, जिससे यहां से और आसपास के इलाकों से माल ढुलाई में सुविधा हो सके। लेकिन अभी तक तिलैया जंक्शन से खरौंद स्टेशन तक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा नहीं किया गया है। दूसरे फेज में कोडरमा जंक्शन से झरी स्टेशन तक, जिसकी दूरी 17 किलोमीटर है, कोडरमा से झरी स्टेशन तक सीआईएस निरीक्षण 27 मार्च 2023 को किया जा चुका है, लेकिन इस 17 किलोमीटर के सेक्शन में एक भी होल्ट नहीं है। तीसरे फेज में झरी स्टेशन से जमुनदाहा स्टेशन तक, जिसकी दूरी 11 किलोमीटर है, और चौथे फेज में जमुनदाहा स्टेशन से खरौंद स्टेशन तक, जिसकी दूरी 14 किलोमीटर है। झरी से जमुनदाहा होते हुए खरौंद तक इस 25 किलोमीटर के क्षेत्र का कार्य करना भारतीय रेलवे के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह 25 किलोमीटर का भाग जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों से होकर गुजरती है। इस 25 किलोमीटर के भाग में 7 बड़े ब्रिज, 52 छोटे ब्रिज और 4 टनल का निर्माण किया जा रहा है। यह क्षेत्र ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ है, जिस कारण से यहां पर सड़क मार्ग की कनेक्टिविटी भी नहीं है। इस कारण से इस क्षेत्र में काम करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। यहां कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण रेलवे लाइन के निर्माण में लगने वाले सामानों को यहां तक पहुंचाना भी काफी मुश्किल होता है, और बरसात के दिनों में यह समस्या तो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तीसरे फेज में झरी से जमुनदाहा स्टेशन तक का कार्य तो लगभग 80% पूरा कर लिया गया है, लेकिन चौथे फेज जमुनदाहा से खरौंद के बीच का कार्य करना सबसे चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यह भाग पूरी तरह से घने जंगलों और पहाड़ों के बीच स्थित है। इस क्षेत्र में कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, ऐसे में इस क्षेत्र में ब्रिज और टनल के निर्माण में काफी समस्या होती है। साथ ही जंगली क्षेत्र होने के कारण जंगली जानवरों का खतरा होना भी एक बड़ी चुनौती है। दोस्तों, इस चौथे फेज का काम जिस तरह के स्थान पर किया जा रहा है, जहां घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और ना के बराबर कनेक्टिविटी, इसके अलावा दूसरे कई चुनौतियां हैं, इस कारण से कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में निर्धारित समय से और भी ज्यादा समय लग सकता है। वैसे तो इस प्रोजेक्ट को 2025 में पूरा किया जाना है, लेकिन यह मान सकते हैं कि यह प्रोजेक्ट वर्ष 2026 तक पूरा हो सकता है। वर्तमान समय में इस प्रोजेक्ट का कार्य तो निरंतर रूप से चल रहा है, लेकिन इसका कार्य ऐसे स्थान पर चल रहा है जहां तक पहुंचना ही बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो दोस्तों, यही है कोडरमा तिलैया नई रेल लाइन की अभी तक की जानकारी। आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।